अभी वीडियो भी नहीं खत्म करने का दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है सारा जल्दी भी खा जाऊं। वेलकम टू टेबल ट्रीट। हमारी आज की टेबल ट्रीट में जो डिश हमारे पास मौजूद है वो है सऊदी अरब का फेमस स्ट्रीट फूड। तो भाई आज हम कर रहे हैं मतबक का रिव्यू, जिसे यहाँ कराची में लोग कॉमनली अरबी पराठा कहते हैं, जो कि फ्रेस्को का बहुत मशहूर है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जो आज हमने मंगाया है वो एक होम किचन से ऑर्डर किया है, तो आज हम इसे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इसके जायके कैसे हैं। अगर हम बात करें कि मतबक है क्या, तो बेसिकली ये एक स्नैक आइटम है जो कि सऊदी अरब की स्ट्रीट्स पे बहुत कॉमनली जो है वो सेल किया जाता है, और ड्यूरिंग रमज़ान और ड्यूरिंग हज डेज जो ज़ायरीन हैं, उम्रा ज़ायरीन हैं और हज ज़ायरीन हैं, वो इसे खाना पसंद करते हैं, और वहाँ के मकामी लोग जो हैं वो स्ट्रीट्स पे चलते फिरते इसको लेके खाना पसंद करते हैं। सुनने में तो मतबक बहुत ही एक हैवी नाम लगता है, लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है। बेसिकली ये पराठा फॉर्म में बनता है और इसके अंदर की जो फिलिंग है उसमें कीमा यूज़ किया जाता है, बीफ का या चिकन का, और उसके अंदर ग्रीन अनियंस होते हैं, ब्लैक पेपर होती है, सॉल्ट होता है, और बस। अगर हम मतबक की हिस्ट्री में बात करें तो इसकी कोई ख़ास हिस्ट्री तो है नहीं, क्योंकि ये सऊदी अरब में कॉमनली स्ट्रीट फूड कहलाता है। तो वहाँ पे जो उम्रा ज़ायरीन आते हैं वो डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ से आते हैं, जिसमें इंडिया भी है और डिफरेंट यूएई कंट्रीज़ भी हैं और पाकिस्तान भी है और अदर कंट्रीज़ भी हैं। तो जब वो यहाँ से इस डिश को अपनी कंट्री लेके जाते हैं तो वहाँ ये उसे अपने तरीके से और अपने अंदाज़ में पेश करते हैं, तो इसलिए हर कंट्री में मतबक बनाने का अंदाज़ भी डिफरेंट है और इसको कहने का अंदाज़ या इसके नेम कॉलिंग जिसे आप कह लें वो भी डिफरेंट है। मतबक को पेश करने का जो तरीका है, मतलब वो पूरा पराठे फॉर्म में पेश नहीं किया जाता, उसके भी बेसिकली बनता है स्क्वायर शेप में है, लेकिन इसको भी जो है ना डिफरेंट पीसेस करके फिर पेश किया जाता है, ताकि खाने में मज़ा आए, आप लेयर्स देख तो सकें कि इसके अंदर फिलिंग कैसी है। वैसे तो कराची में मतबक जो है वो फ्रेस्को पे अरबी पराठे के नाम से सेल किया जाता है और लोगों में बहुत पसंद भी किया जाता है, बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती हैं। इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं दो तरह के मतबक, एक जो है वो नॉर्मल पराठा में बना हुआ है और दूसरा जो है वो डो में बना हुआ है। और आज की जो हमें डिश भेजी है वो उम्मे मायत के होम किचन से भेजी गई है, जो कि गुजराती एंड बर्मीज डिश बहुत अच्छी बनाती हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे और देखेंगे इनका जायका कैसा है, क्योंकि मैं पहली बार मतबक ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी पराठा मतबक, जो कि पराठे में बने हुए हैं, तो उनको ट्राई करूँगी। वैसे आप इसको साइड लाइंस कोई भी चटनी या कोई भी सॉस वगैरह के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं सिरका प्याज, तो हम इसके साथ इनको ट्राई करेंगे। का टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत मज़े का लगा। अभी वीडियो भी नहीं ख़त्म करने का दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है सारा जल्दी भी खा जाऊँ। अब हम ट्राई करेंगे डो वाला मतबक, सो लेट्स ट्राई दिस। इसको भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगेन हमारे पास मौजूद हैं सिरका प्याज, तो हम इन्हीं के साथ ट्राई करेंगे। इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, डो वाले अपनी जगह बेस्ट हैं और जो पराठा वाले हैं वो अपनी जगह बेस्ट हैं, मुझे दोनों बहुत ज़्यादा मज़े के लगे हैं। इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर एक तो सबसे पहले मिंस्ड है यानी कि कीमा, उसके अंदर सारे स्पाइसेस हैं जिसमें मुझे टेस्ट आ रहा है धनिए का और ब्लैक पेपर का, सॉल्ट का, इसके अंदर अनियंस भी हैं इसकी फिलिंग में, और कोरिएंडर भी है मुझे दिख रहा है, हरी प्याज भी है, और इसको अच्छे से बाइंड करने के लिए इसमें अंडा भी डाला गया है ताकि तमाम फिलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से बाइंड हो जाए। अब बारी है इस डिश को रेट करने की, तो बगैर किसी डाउट के ये मुझे इंतहाई अच्छी लगी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नॉर्मली जब हम होम किचन से खाना ऑर्डर करते हैं तो अक्सर हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसमें इसके अंदर चिकन या जो भी कीमा यूज़ हुआ होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, और खाना जो है वो हमारा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब जितना हम उसमें पैसा लगाते हैं उस हिसाब से कम होता है। लेकिन जो इन्होंने हमें भेजा है वो परफेक्ट क्वांटिटी है, परफेक्टली कुक्ड है, और इनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, एंड आई रियली लाइक इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज चेरी ऑन द टॉप। हमारे पास मौजूद है एक और डिश जिसे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक बर्मीज डिश है जिसे कहते हैं तोहू, और ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री भेजी गई है, तो हम इसे ट्राई करेंगे और देखते हैं कि इसका जायका कैसा है। मज़ा आ गया,
अच्छा इसके अंदर जो है ना मुझे इसमें बेसन की डो है नीचे और उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइसेस हैं, फ्राइड अनियंस हैं और रेड चिलीज़ हैं और एक मेरे ख्याल से टर्मेरिक मुझे सॉस भी फील हो रहा है। इट्स अमेजिंग, आई रियली लाइक इट। तो वो बेसिकली बर्मीज डिश है और जहाँ तक मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है इसको बनाने का, क्योंकि मैंने इसका नाम भी पहली दफ़ा सुना और आज पहली दफ़ा टेस्ट किया है, तो ये पता चला कि टोहू को बनाने के लिए पहले बेसन की जो है वो एक घोल बनाया जाता है और उसके बाद उसे पानी के अंदर डाल के उसका थिक सा एक पेस्ट बना के आप एक फ्लैट ट्रे में उसको जमा देते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है फिर आप उसे निकाल के आप उसे ऐसे भी खा सकते हैं और अपनी जायके के हिसाब से आप उसको डिफरेंट चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं। जैसे इन्होंने इसकी गार्निशिंग के लिए टर्मेरिक सॉस और फ्राइड अनियंस और रेड चिलीज़ और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाले मुझे फ्लेवर्स फील हो रहे हैं तो उसको उन्होंने पेश किया है। आप नॉर्मल सादा भी खा सकते हैं। आज की टेबल ट्रीट जो है वो मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट हो गई है और मैं चाहूँगी कि मैं उमे मायत से दोबारा ये सारी चीज़ें मंगवाऊँ। आप लोग भी मंगवाएँ, मैं उनका इंस्टाग्राम लिंक नीचे शेयर कर दूँगी, आप लोग उन्हें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ये मज़े मज़े की चीज़ें आप लोग भी खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी टेबल ट्रीट। उम्मीद है आपको हमारा नया जायका पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी किसी यूनिक टेबल ट्रीट के बारे में जानना चाहते हैं या मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।